हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपको क्या ये पता है एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहती है पूरी 15 नदियाँ? क्या सही सुना मैंने? फिर से कान को साफ करूँ मैं? नहीं, करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही बोला है। एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहती है पूरी 15 नदियाँ, देश के अलग अलग राज्यों में बहती है अलग अलग नदियाँ, बड़ी संख्या में लोगों को बिजली और पीने का पानी देती है ये नदियाँ। बिहार राज्य में बहती है पूरी 15 नदियाँ। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप दोस्त। दो भागों में विभाजित है बिहार की नदी। नॉर्थ बिहार में गंगा है मुख्य नदी। गंगा नदी में बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव से प्रवेश करती हुई अंदर आती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। इसके अलावा घाघरा नदी भी बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी बिहार और यूपी की सीमा का करती है बंटवारा। और घाघरा और गंगा नदी दोनों इतनी बड़ी नदी है कि उसमें मिलकर छोटी छोटी नदियाँ कुल मिला के हो जाती है 15 नदियाँ, और बिहार बन जाता है एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहती है पूरी 15 नदियाँ। अगले फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।